हेलो दोस्तों, अभी मैं हूँ डॉक्टर अभय बुटले जी, जो इंचार्ज हैं लीगल हेड और प्लेसमेंट सेल के शांताराम पोर्दुखे कॉलेज ऑफ लॉ का। तो उनसे बातचीत करके देखते हैं कि लीगल हेड का किस तरह से क्या काम चलता है उनका, कहाँ कहाँ वो करते हैं और क्या करते हैं। तो अभय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने आपका समय दिया और आप ये लीगल एड का क्या काम कर रहे हैं ये जरा आप हमें बताइए प्लीज़। सबसे पहले मैं अपने महाविद्यालय की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आभारी भी हूं कि आप इतने दूर से आए और हमसे मिलने आए, हमसे कुछ जानना चाहते हो, ये हमारे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है। तो मैं सबसे पहले आपका एक बार और स्वागत करना चाहूँगा। मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे शांताराम पोर्दुखे विधि महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अंजलि हस्तक मैडम, इनके गाइडेंस में हम लोग हर साल तकरीबन 25 लीगल एड कैंप्स गांव में और महाविद्यालय में लेने की कोशिश करते हैं। आज तक के हम 800 के तकरीबन लीगल एड कैंप कर चुके हैं। ये लीगल एड कैंप करते समय हमारे जो लीगल एड क्लिनिक है महाविद्यालय का, ये चंद्रपुर के DLA से यानी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिला विधि सेवा प्राधिकरण, इनसे मिलकर हम लोग बहुत सारा काम लोगों के लिए करते हैं। उसी प्रकार से महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए भी करते हैं। हमने कुछ लीगल एड सेंटर्स बनाए, जैसे कि हमारे चंद्रपुर में 3 लीगल एड सेंटर्स थे, अभी भी है। जैसे कि हम FES कॉलेज जो है वो एक सेंटर है, यहाँ पर एक महिला BEd कॉलेज है वो एक सेंटर है, और बल्लारशाह में एक जैनुद्दीन जवरी कॉलेज, वो एक हमारा एक लीगल एड सेंटर है, जहाँ पर हम लोग किसी को भी किसी भी प्रकार की अगर कायदे विषय अगर सलाह जो भी चाहिए या असिस्टेंट चाहिए तो उसके लिए हम लोग तत्पर रहते हैं और हम लोग मदद करते हैं। हमारे लीगल एड सेल के माध्यम से हमारा एक पैनल है जो हर तरीके से जितने भी लोगों को सलाह या जिस लोगों को भी केसेस डालने होते हैं उनको हर तरीके की मदद करते हैं। हम लीगल एड के माध्यम से लॉ के बारे में अवेयरनेस, क्योंकि गांव के लोगों को वो कानून भी मालूम होना चाहिए, साथ में वो अवेयरनेस करते करते अगर किसी के कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो वो प्रॉब्लम्स भी हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। जब भी हम लोग गांव में जाते हैं या कोई महाविद्यालय में जाते हैं तो हमारे कॉलेज के जो सहकारी प्राध्यापक होते हैं, जजेस होते हैं, कुछ लॉयर्स होते हैं, और जैसे जैसे हमारे मैडम को हमारे साथ जैसे जैसे जमता है वक्त के हिसाब से वो भी हमारे साथ आते हैं और हम लोग लोगों को हेल्प करते हैं। ये हेल्प करते समय दो तीन चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने जैसे कि खेती के, अगर तकरीबन खेती के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं गांव में, तो जो भोगवटदार दो होते हैं, भोगवटदार दो का भोगवटदार एक करना, इसके बारे में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो हमारे जो पैनलिस्ट के जो एडवोकेट्स होते हैं वो तो उनको वो बताते हैं कि किस प्रकार से वो रेवेन्यू महसूल विभाग में जाके किस प्रकार से क्या चीज़ें करना है, किस प्रकार से डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, एटलीस्ट वो मदद बहुत हो जाती है। वो जानकारी वो लोगों को होती नहीं, क्योंकि भोगवटदार दो का एक करना और बाद में उसकी बिक्री करना ये लोगों को जनरली मालूम नहीं होता। तो गांव के लोग भोगवटदार दो में ही रहते हैं, तो वो एक बहुत अच्छी सी कोशिश हमारे लीगल एड सेल द्वारा होती है। दूसरी चीज जो घर जो होते हैं, प्लॉट जो होते हैं हमारे, तो जिसमें 70 प्रकार भी हमारे चंद्रपुर और गढ़चुली एरिया में गवर्नमेंट ने किया है कि लीज पर ज्यादा रखा है यहाँ पर, तो उसका जो 70 प्रकार जो है वो ब रखा है। तो लोगों को जब तक वो अ या क नहीं करते, अभी क किया जाता है ब से, तो वो भी करने के लिए हमारे वकील जो लोग हैं असिस्ट करते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने SDO TLR ऑफिस जो है, जिला भूमि अभिलेख कार्यालय है, वहाँ पर किस प्रकार से अर्जी मूव करना, उसके बाद कौन से डॉक्यूमेंटेशन लगना, उसके बाद SDO साहब के पास कैसे जाना, उसके बाद कलेक्टर ऑफिस में अप्रोच कैसे होना। तो ये जो चैनल है, ये चैनल हम लीगल एड सेल के माध्यम से मेरे जो साथ मेरे सहकारी प्राध्यापक वृंद, एडवोकेट्स और ये जजेस, टाइम टू टाइम इस प्रकार से हम लोग लोगों को बताते हैं। साथ में हमारे जो पैनलिस्ट है उन्होंने आज तक यानी लीगल एड सेल के माध्यम से निस्तर पत्रक की जो राइट्स होते हैं और वाजिबुल की जो एंट्री होती है उसके बारे में भी हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को अवेयर किया है। और हमारे डॉक्टर प्राचार्य मैडम का एक अच्छा सजेशन होता है हर बार, वो भी हम फॉलो करते हैं। और ये सजेशन ऐसा है कि हम जब भी कोई लीगल एड लेते हैं जो गांव में लेना चाहते हैं, तो उसके पहले मैडम ने हमको बताया था कि आप पहले जाके वहाँ पे सर्वे कीजिए कि उनको किस प्रकार का लॉ चाहिए। जनरली हम लोग पहले कैसा करते थे कि हम लोग डायरेक्ट अप्रोच हो जाते थे और हम अपने तरीके से लॉ कानून बताते थे और ये करते, लेकिन मैडम ने जो हमें एक सजेशन दिया था, तो
जो कभी यानी पॉसिबल होता है कभी नहीं होता है, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम लोग वो गाँव में जाएं और वहाँ पर हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स जो होते हैं या गांव के लोगों को, जैसे कि कुछ लोगों को ट्राइबल लॉ के बारे में होती है इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी को फॉरेस्ट लॉ के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो एक मैडम ने जो सजेशन दिया था वो भी हम लोग अच्छे से अभी फॉलो करते जा रहे हैं। अदरवाइज हम लोग वो गांव में जाते हैं और हम कोई दूसरा कानून बताते तो उसका मतलब नहीं होता है। तो एक अच्छा सजेशन मैडम की तरफ से आया और हम लोग वो भी अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हैं। और अभी सबसे बड़ी बात ये हमारी है लीगल एड सेल की, कि जो हमारे कॉलेज का एक स्पेशल एनएसएस कैंप होता है वो तकरीबन 10 दिन का था पहले, आज अभी वो 7 दिन का हुआ है। तो वो 10 दिन या वो 7 दिन जो है उसमें हम लोग लेक्चर सीरीज लगाते हैं। वो लेक्चर सीरीज यानी उसमें हमारे पहला जो इनॉग्रेशन जो पार्ट होता है उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट जज साहब आते हैं, पीडीजे साहब आते हैं, पीडीजे मैडम होते हैं, वो आते हैं, उनके साथ उनके जजेस होते हैं और वहाँ का जो डीएसएलए है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है डीएलएसए, वहाँ के सेक्रेटरी साहब है किरण जाधव सर, उनका हमें बहुत सपोर्ट है, वो हमेशा हमारे साथ आते हैं। पूरा जजेस का पैनल वहाँ पर आता है, इनॉग्रेशन होता है और उसके बाद उस दिन से हम लोग क्वेश्चन आंसर, उस दिन से एक लेक्चर सीरीज, ऐसे 7 दिन या 10 दिन कंटिन्यू 6 बजे से वो चलता है। तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है, लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि जजेस आ रहे हैं, वकील लोग हमारे पास आ रहे हैं, जो वकील के पास 4-4 घंटे 5-5 घंटे बैठना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, वो लोगों के पास हम लेके जाते हैं। हम लोग मूल में गए थे, मैं एक अनुभव शेयर करना चाहूँगा कि हम लोग मूल में गए थे तो मूल का जो गांव था तो चिचपल्ली करके, चिचपल्ली के बाजू में एक ये है एनजीओ है, उन्होंने वो अरेंज किया था, कल्याण करके थे, हमारे स्टूडेंट ही थे तो उन्होंने वो अरेंज किया था। तो हम लोग वहाँ पर जब गए थे तो इतनी भीड़ हुई थी, इतने प्रॉब्लम्स थे, वो प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते करते हम लोगों को पैनल तीन तीन ऐसे बैठना पड़ा, तो 5 बज गए फिर भी प्रॉब्लम कम नहीं हुई, इतने सारे प्रॉब्लम्स हम लोगों ने वहाँ पे लोगों के सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है। और मुझे खुशी है कि इस माध्यम से मैं समाज के प्रति कुछ जो ऋण होता है वो मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ उसको, तो ये कर रहा हूँ। और इस बार अभी BCI की तरफ से और महाराष्ट्र लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से एक हमें इस प्रकार का रिक्वेस्ट आई है कि आप लोग एक अभी इस बार तालुका अडॉप्ट कीजिए, और वो हमने इस बार मूल तालुका अडॉप्ट किया है और वो मूल तालुका में ही हम लोग इस बार हमारा जो लीगल एड का जो पार्ट रहेगा वो इस बार हम लोग वहीं पे लेने वाले हैं। तो बहुत अच्छे से कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करना हमारा काम है, और वो लोगों को हम लोग फोन नंबर्स भी देते हैं वकील के और हमारे, तो और इस प्रकार से वो सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। साथ में लीगल एड सेल के माध्यम से हम लोग जेल विजिट करवाते हैं बच्चों को। ओके। हाँ, अभी ये कोरोना के ये 1.5 साल में थोड़ा सा हम लोग नहीं कर पाए वो, लेकिन आगे और हम लोग जेल विजिट, पुलिस स्टेशन विजिट होती है, बाद में ADR कोर्ट जो है हमारा वैकल्पिक न्यायालय जो आजकल अभी बहुत ही मैंडेटरी हो चुका है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के अंदर, जो अभी 1966 के अंतर्गत अभी वो जो DSLA के माध्यम से एक नया कोर्ट आया हुआ है ADR कोर्ट, तो वहाँ पर हम लोग विजिट करवाते हैं। वहाँ पे जो मेडिएशन की प्रोसीडिंग होती है वो बच्चों को लाइव हम लोग दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों को जितना प्रैक्टिस में हम लोग लाते हैं उतना वो अच्छा हो जाता है। दूसरी चीज, हम लोग जो गाँव में भी जाते हैं वहाँ पर अगर वो स्टूडेंट हमारा वहाँ का है, वो गाँव का है, तो हम लोग कहीं ना कहीं उसके तरफ वो एक काम दे देते हैं, यानी कि जैसे कि एक स्पीच दे देना या वोट ऑफ थैंक्स दे देना, तो उसका कॉन्फिडेंस भी हम लोग थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये कोशिश हम लोग लीगल एड सेल के माध्यम से हम लोग करते रहते हैं। उसी प्रकार से हम लोग अभी कॉलेज लेवल सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किए हैं हम लोगों ने। वो कॉलेज लेवल सर्टिफिकेट कोर्स में हम लोग लीगल ड्राफ्टिंग इन मराठी ये भी एक शुरू कर दिया है, जो 30 घंटे का लेक्चर होता है उसको हमने डिवाइड किया है टाइम टेबल वाइज, 1.5 घंटा रोज, इस प्रकार से हमने वो 30 घंटे में उसको डिवाइड किया है। तो लीगल ड्राफ्टिंग इन मराठी, मूट कोर्ट, इस प्रकार से मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस, तो ऐसे बहुत सारे कॉलेज लेवल सर्टिफिकेट कोर्सेस हमने बनाए हुए हैं जो बच्चों को प्रैक्टिस में जनरली वो काम में आने वाले, जो हमारे सिलेबस में जनरली नहीं है वो, तो वो चीजों को भी हम लोग मैडम के गाइडेंस के अंतर्गत हम हर साल फाइनल ईयर के स्टूडेंट को वो कंपलसरी कर देते हैं। ओके। और उस प्रकार से फिर उसका सर्टिफिकेट भी हम लोग उनको एक दे देते थे, ताकि जाके वो उनको रिज्यूम में वो एक उन्होंने 4 सर्टिफिकेट कोर्सेज किए 30-30 घंटे के, ये भी उनके लिए बहुत प्लस पॉइंट हो जाता है। तो उसमें लीगल ड्राफ्टिंग इन मराठी, मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस,
पर्सनलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस, ऐसे बहुत सारे हम लोग हर साल एक कोर्स नया उसमें डालकर हम लोग सर्टिफिकेट, कॉलेज लेवल सर्टिफिकेट कोर्स करके उसको नाम देकर हम लोग इशू करते हैं बच्चों को। तो ये भी एक काम हमारा लीगल एड सेल के थ्रू और ये प्लेसमेंट सेल के थ्रू हम लोग करते रहते हैं। तो अभय जी, एक्चुअली इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉक, क्योंकि लीगल एड सेगमेंट में इतना मैंने शायद कोई कॉलेज से आज तक नहीं सुना है। थैंक यू। तो इसीलिए मैं भी बहुत इंटरेस्टेड था कि एक लीगल एड इस बारे में मुझे इंटरव्यू लेने को मिल रहा है, तो मुझे सुनने का मौका तो मिले कि व्हाट ऑल इट डज। और बहुत ही अप्रिशिएबल है कि आप 800 से ज़्यादा कैंप कर चुके हो, आपने तालुका मूल को आपका अभी अडॉप्ट किया है। तो हमारी तरफ से यही इच्छा रहेगी कि आपके जितने भी आगे के प्रोग्राम हैं बहुत अच्छे हों और इसी तरह से आप काम करते रहें। अब भाई, आपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभारी। बहुत आभारी आपके। थैंक यू वेरी मच।